क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें हम देखेंगे दिया है इसमें फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइन दिस। ठीक है, एफ डिफाइन किया है और डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा कि किस किस पॉइंट पे। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये मान लीजिए इस तरीके से कोई फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी है, तो ये तुम्हारा ये जो पॉइंट है मान लीजिए टू है, इसी पे हमने डिफाइन किया है मान लीजिए, तो एक बार लेस देन टू के लिए देखेंगे, एक बार इक्वल टू टू के लिए देखेंगे, एक बार ग्रेटर देन टू के लिए देखेंगे। ऑल ऑल पॉइंट निकालना है, तो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट व्हेन सी लेस देन टू, लेस देन टू, तो जब लेस देन टू है तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले एफ सी निकाल लेंगे, एफ सी, तो एफ सी यहाँ पे देखिए क्या होगा, लेस देन टू के लिए हमारा इक्वेशन ही है टू एक्स प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा आपका टू इंटू एक्स के जगह टू है प्लस थ्री, तो टू टू जब फोर प्लस थ्री इक्वल्स क्या हो गया सेवन। ठीक, दूसरा क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स फाइंड करना है, देन लिमिट एक्स टेंस टू सी, एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स लेस देन टू के लिए क्या है टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री जब सी रखेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, अरे यार देखिए टू यहाँ पे लेस देन टू के लिए कर लें ना, तो लेस देन टू के लिए सी ही रहेगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे आपका आएगा टू सी प्लस थ्री। ठीक, यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो आएगा क्या टू सी प्लस थ्री, तो देखिए एफ सी इक्वल्स किसके हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट व्हेन सी इक्वल्स सी लेस देन टू के लिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कंडीशन नंबर टू, When c equals greater than 2 के लिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, केस टू, when c is greater than 2 के लिए निकालना है। ठीक, तो 2 के लिए तो क्या हो जाएगा एफ सी, एफ सी क्या होगा c greater than 2 के लिए आपका ये वाला वैल्यू है 2x plus 2x minus 3, तो हो जाएगा 2c minus 3। सेकेंड क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स फाइंड करना है, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स क्या है ग्रेटर देन टू के लिए आपका टू एक्स माइनस थ्री, जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा टू सी माइनस थ्री। देख रहे हैं आप यहाँ पे एफ सी इक्वस क्या है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा c इक्वल्स c ग्रेटर देन 2 के लिए ऑल पॉइंट, c ग्रेटर देन 2 के लिए ऑल पॉइंट एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस होगा। अब तीसरा केस क्या बचता है हमारा, ये वाला x इक्वल्स 2 पर। ठीक है, तो देखिए x इक्वल्स टू पे आपका फंक्शन डिफाइन है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला लगाना पड़ेगा, तो एक बार फंक्शन लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स क्या था आपका टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स माइनस थ्री और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड
एक्स इक्वल्स लेस देन इक्वल टू टू एंड एक्स ग्रेटर देन टू, ये आपका फंक्शन था। ठीक है, अब आपको केस थर्ड देखना है। केस थर्ड क्या है आपका, व्हेन सी इक्वल्स टू पे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये देखना है। तो आपका एफ सी हो जाएगा एफ टू। ठीक है, तो एफ टू टू इसमें आएगा एफ टू के लिए, तो क्या हो जाएगा टू इंटू टू प्लस थ्री, क्या हो जाएगा आपका सेवन। फिर आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू टू पे माइनस। ठीक है, तो अब देखिए टू पे माइनस यानी दो से कम के लिए आपका फंक्शन क्या है, टू एक्स प्लस थ्री। अब जब वैल्यू रखोगे तो टू इंटू टू प्लस थ्री इक्वल्स क्या हो जाएगा सेवन। फिर आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये आपका होगा लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स। फिर होगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू टू और टू प्लस के लिए यानी ग्रेटर देन टू के लिए आपका फंक्शन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। जब आप वैल्यू पुट करोगे टू इंटू टू माइनस थ्री, दैट मीन्स फोर माइनस थ्री इक्वल्स वन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एफ सी है वो इक्वल्स है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट डज नॉट इक्वल टू किसके है, राइट हैंड लिमिट के। ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेवन है यहाँ पे वन है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल्स टू पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इस पे।